जय हिंद फैंस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर डिफेंस क्लास में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना हाईकोर्ट भवन बिलासपुर में जो निकली सीधी भर्ती है दोस्तों, उसके बारे में आज की वीडियो में क्लियर मैं आपको बताऊंगा साथियों कि आप फॉर्म अप्लाई कब से कर सकते दोस्तों, कब से कब तक यहाँ पर कर सकते, उसका लास्ट डेट क्या रहेगा, वहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पर अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसमें कितना पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं, तो पूरा डिटेल्स दोस्तों इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा यहाँ पे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका दो स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों, आपका स्टार्टिंग डेट जो है आपका 10 सितम्बर रखा गया है, ठीक है, 10 सितंबर रखा गया है। और आपका जो लास्ट डेट रहने वाला है साथियों, तो लास्ट डेट जो है इसके लिए आपको 9 अक्टूबर दिया गया, ठीक है, 9 अक्टूबर दिया गया। तो अब बात करते हैं दोस्तों क्या आप किसी दूसरे राष्ट्र के हैं, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो हाँ दोस्तों, इसका जो जॉब लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया साथियों, आप इंडिया से कहीं से भी हो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए नो डाउट। ओके, आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से यहाँ पे पद है, पोस्ट है, आइए देखते हैं। तो ये पोस्ट जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये पोस्ट यहाँ पे जिसमें आपका पोस्ट है, तो अनुवादक का पोस्ट है हिंदी से इंग्लिश का, ठीक है, एंड सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट है यहाँ पे जिसके लिए आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग ठीक है दोस्तों आपको आना चाहिए राइटिंग। ओके, आपको वाहन चालक आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे वाहन चालक का पोस्ट है, वित्त का पोस्ट है एंड आदेशिक वाहन चालक का पोस्ट है यहाँ पे। तो टोटल पोस्ट की बात करते हैं साथियों, तो जो टोटल पोस्ट है दोस्तों आपका 112 पोस्ट दिया है गया है साथियों इसमें, ठीक है, 112 पोस्ट दिया गया है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसका आयु सीमा क्या है दोस्तों, तो आपका आयु सीमा जो है दोस्तों आपको आयु सीमा आपका 18 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, और आपको कैटेगरी वाइज वहाँ पे छूट भी दी जाएगी, ठीक है, 18 से 40 वर्ष यहाँ पे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज यहाँ पे डिटेल्स की, एजुकेशन डिटेल्स की, इसका जो शैक्षणिक योग्यता हम देखते हैं दोस्तों अनुवादक का हिंदी से इंग्लिश के पद के लिए, तो इसमें दोस्तों हिंदी में स्नातकोत्तर, ठीक है दोस्तों, हमें हिंदी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है, एंड अंग्रेजी में आपका दक्षता साहित्य अथवा इंग्लिश में आपका इस उपाधि हिंदी में दक्षता सहित कंप्यूटर में, ठीक है, तो साथ यहाँ पे सभी के यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर से कार्य करने की क्षमता ऑपरेटिंग आवश्यक है इसके लिए, ठीक है, जो कि इसके लिए वरिष्ठ निर्धारित कम से कम 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सहायक ग्रेड 3 की, तो सहायक ग्रेड 3 की दो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए थे मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से दोस्तों 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है दोस्तों, पुराना हाई सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है, किसी भी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा पूर्ण, ठीक है दोस्तों, उत्तीर्ण हो, यानी कि आपका जो है कॉलेज का फर्स्ट ईयर कम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा इंटरनेटिंग ऑपरेटिंग, ठीक है दोस्तों, प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर में हिंदी ठीक है दोस्तों टाइपिंग होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, जी यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड क्राइटेरिया का था 5000 है दोस्तों यहाँ पे, डिप्रेशन प्रति घंटा, ठीक है, गति के संबंध में दोस्तों कौशल परीक्षा ली जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देख सकते इसका चौथा पॉइंट यहाँ पे, तो चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त मंडल से संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा, ठीक है दोस्तों, परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की वर्ड्स, ठीक है, आपका प्रति घंटा की गति से ली जाएगी, ठीक है दोस्तों, प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात करें दोस्तों वाहन चालक का, तो वाहन चालक का जो है दोस्तों शिक्षक योग्यता आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दोस्तों 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही साथ उसको दोस्तों यहाँ पे वैध LMV ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है साथ ही यहाँ पे लाइसेंस, ठीक है, आपका होना चाहिए, समस्त प्रकार के वाहनों विशेषतः कार बोलेरो हैवी व्हीकल्स के चालक का अनुभव रखना होता चाहिए दोस्तों, मोटर मैकेनिक डीजल के साथ ही यहाँ पे,
मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण योग्यताधारी व्यक्तियों को यह दोस्तों वरीयत दी जाएगी वहाँ पे। ठीक साथियों, अब बात करते हैं हम वृत्त के लिए। तो वृत्त के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो जो है दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा पाँचवीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है वहाँ इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं टिप्पणी दी है इसके लिए, तो डायरी बुक, वो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, पेंटर इत्यादि कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को दोस्तों प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, आज इनको अनुभव से संबंधित अधिकृत प्राधिकारी होना चाहिए। ठीक है, संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ आपको अटैच करना होगा दोस्तों। ठीक है, और इसका जो है दोस्तों आप अप्लाई कैसे कर सकते, तो आपको ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा साथियों। इसका फॉर्म आता है दोस्तों, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग फॉर्म, उसको आपको भरना है। उसको जो जो डॉक्यूमेंट्स उसे योग्यता के हिसाब से आपको उसमें सेल्फ असिस्टेड करना होगा, उसके बाद आपको पोस्ट करना होगा साथियों। ठीक है, बात करते दोस्तों वेतनमान की। तो दोस्तों आयु सीमा जो है मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि आयु सीमा जो है आपका 1/1/2023 से 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और आपका 25 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतम, ठीक है दोस्तों, उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी। हम इसके दूसरे पार्ट में जानेंगे दोस्तों कि आपका फॉर्म कैसे भरना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ असिस्टेड रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।